सो कैसे हो दोस्तों, आइए आपसे बढ़िया गए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने फोन में जो आईफोन के आइकन है उनका आइकन एनिमेशन कैसे इनेबल कर सकते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आपके फोन में अच्छी तरीके से वर्क करेंगे। यहाँ पे सेटिंग के आइकन को अभी देखना किस तरीके से राउंड आइकन एनिमेशन करता है। एंड यहाँ पे जो देखोगे सिक्योरिटी का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक हार्ट के शेप में देखने को मिलता है। साथ ही साथ लाइव क्लॉक का फीचर है। एंड म्यूजिक प्लेयर को अगर ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो ये रीड क्रिएट होता है, जो कि आपको काफी ज्यादा अच्छी तरीके से यूआई देखने को मिलेगा। तो ये आईफोन वाले आइकन एनिमेशन आप लोग कैसे इनेबल कर सकते हो अपने फोन पे। यहाँ पे देखो ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन यहाँ पे देखो इस वाली वीडियो में क्या स्पेशल होने वाला है एंड इस वाली वीडियो में क्या लोग होने वाला है। तो इस वाली वीडियो में मैंने जितने भी थीम बताए थे वो MTZ फाइल में थे, लेकिन हाँ इस वाली वीडियो में जो कि ये वाली वीडियो है इसमें आपको एक थीम देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों के थीम स्टोर पे अवेलेबल है। एंड आप लोग यहाँ पर जो आईफोन के आइकन एनिमेशन है उसको इनेबल कर सकते हो अपने फोन में। एंड यार देखो ये पूरा थीम आईफोन जैसा आपको यहाँ पे लुकिंग देगा, ये भी एक आईफोन वाला थीम ही है। तो अगर आप चाहो तो आप इसको डिफॉल्ट में भी यूज कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात कि ये ऐसा सर्च करने पे नहीं मिलेगा कि वीडियो स्किप कर दिया आप लोगों ने सर्च कर लिया, नहीं, इसका जो सर्च करने का फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग है। तो वीडियो फुल्ली वॉच करना, कैसे इनेबल करना है वो भी बता रखा है, कैसे यहाँ पे आपके फोन में वर्क करेगा वो भी बताया है। एंड साथ ही साथ ये भी बताया कि कौन कौन से डिवाइस में वर्क करेगा वो जरूर से देख लेना, क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। एंड यहाँ पे सब कुछ बिना किसी रूट के होने वाला है। एंड आपके फोन में आईफोन वाला आइकन भी देखने को मिलेंगे। तो जिससे वीडियो को लाइक करना अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो पसंद आती है, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना। यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो कि इसमें कोई भी आइकन एनिमेशन अभी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, जो कि मैं देखो यहाँ पे दिखाता हूँ अपने फोन को ओपन करके। यहाँ पे सारी चीजें ओपन करके मैं दिखाता हूँ, म्यूजिक प्लेयर भी ओपन करा। यहाँ पे देखो कोई भी आइकन एनिमेशन अभी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो सबसे पहले करना क्या होगा, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे इसको ओपन करना है अपने प्ले स्टोर को। प्ले स्टोर ओपन करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि होती है सेट एडिट वाली, क्योंकि देखो यही यहाँ पे वर्क में लाएगी आपके फोन में आइकन एनिमेशन। अब देखो मोस्टली आइकन एनिमेशन जो यहाँ पे सारे डिवाइसों में वर्क नहीं होता, लिमिटेड डिवाइसों में वर्क होता है। लेकिन आप काफी सारे लोग बोल रहे थे कि आईफोन वाला थीम लेकर आओ जिसमें कि आपको यहाँ पर आइकन एनिमेशन देखने को मिले, वो भी थीम स्टोर पे अवेलेबल हो। तो हाँ मैंने ढूंढ के निकाल दिया है एंड आप लोग भी इसको यहाँ पे एंजॉय कर पाओगे। अब देखो ये सारे डिवाइस में वर्क नहीं करेगा, मैं फिर से बता देता हूँ, ये कुछ रेल डिवाइस में वर्क करेगा। ऐप को आप ओपन करो, कंटिन्यू करो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे करो, नीचे स्क्रॉल आओ, वही सेम यहाँ पे डिवाइस लेवल लिस्ट देखने को मिलती है। क्लिक करो, एडिट वैल्यू पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो V2 या जहां जहां 2 लिखा हुआ है उसको पुट कर दो 3 में। एंड आपको ये जो चेंजेस है ये यहाँ पे करने होंगे, जो कि देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने कर दिए। ये वैल्यू देना, सेव चेंजेस कर देना, बैक करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको आ जाना है। और जाने के बाद फोन को अपने रिबूट करना है। यहाँ पे देखो एक बार मैं इसको यहाँ पे रिबूट कर देता हूँ एंड ऑन आपके सामने इसको यहाँ पे करता हूँ। अब वीडियो की क्लियरिटी थोड़ी सी लो होगी, क्योंकि देखो मेरे पास और दूसरा डिवाइस नहीं है एंड नोट 11 से मैं शूट कर रहा हूँ, तो इसकी वीडियो क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो इग्नोर करना एंड थोड़ा सा यहाँ पे आज मैनेज कर लेना, क्योंकि देखो ये मेरे फोन में भी नोट 11 में आईकन एनिमेशन सपोर्ट नहीं करता है एंड बहुत सारे ऐसे डिवाइस में सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, रेडमी नोट 9 प्रो, रेडमी नोट 11 प्रो या रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G या बोल सकते हो रेडमी नोट 12 प्रो, यहाँ पे ये डिवाइस एंड रेडमी नोट 12 प्रो प्लस, इन सारे डिवाइसों में सपोर्ट करता है। यानी कि जो नोट सीरीज है उनमें जो हाईली डिवाइस है उनमें सपोर्ट करता है, शाओमी के ओल्ड डिवाइस में सपोर्ट करेगा। एंड जो नंबर विदाउट नंबर ये बोल सकते हो जो नंबर वाली सीरीज है उनमें वर्क नहीं करेगा, ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फोन को ऑन हो जाने देते हैं, फिर मैं डिवाइस जो ऑन हो चुका है। अब ऑन हो जाने के बाद आपको जाना होगा अपने थीम स्टोर पे। देखो यहाँ पे थीम स्टोर ओपन करना, देखो काफी सारे लोगों को थीम स्टोर पे पेड़ो वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो मैंने उसका सॉल्यूशन दिया है कि आप लोग उसको कैसे फ्रीली यूज कर सकते हो। एंड हाँ ये देखो लिमिटेड डिजाइनर के लिए ही पेड़ो वाला ऑप्शन अभी रखा गया है, जो कि शाओमी ने खुद ऑफिशियल अपने डिजाइनर रख रखे हैं, सिर्फ उनके लिए यहाँ पे वर्क कर रहा है। अभी जितने भी यहाँ पे कस्टम डिजाइनर है उन सबके लिए यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, मे बी अभी आई होप ना करे तो ज्यादा बेटर है। तो देखो आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना होगा थीम का नाम है, यहाँ पे देखो आपको थीम का नाम देखने को मिलता है iOS मोड V11। यहाँ पे देखो ये थीम का नाम है, जो कि आप लोग देख सकते हो। आप लोग इस नाम को सर्च करोगे देखो थीम आपको नहीं देखने को मिलने वाला, ये पूरा यहाँ पे क्लियर सुन लो, क्योंकि देखो काफी सारे लोग क्या करने वाले हैं, आएंगे वीडियो को देख के भाग जाएंगे। तो थीम का नाम ये नहीं है, थीम का नाम आपको यहाँ पे सर्च करना होगा राहुल शर्मा। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो राहुल शर्मा सर्च करोगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। राहुल शर्मा सर्च करना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। अब देखो पहला थीम आपको देखने को मिलेगा ब्राइट गैलेक्सी करके, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ तरीके से थीम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो डिजाइनर का अकाउंट खोलना, अकाउंट खोलने के बाद कुछ इस तरीके से आपको थीम देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करना एंड यहाँ पे न्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करना। जैसे आप न्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको लास्ट वाला थीम देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये थीम होने वाला है आपका यहाँ पे सपोर्टेड OS मोड V11, यहाँ पे देखो इसका ये नाम है। एंड इस नाम को सर्च करोगे जाके ये थीम आपको देखने को नहीं मिलने वाला, मैं पहले ही बता देता हूँ। चाहे आप कैसे भी सर्च कर लो, बड़ा सर्च कर लो या कैपिटल लेटर में सर्च कर लो, नहीं देखने को मिलने वाला, क्योंकि मेरे को भी नहीं मिला था तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही सर्च किया। तो इसका फॉर्मेट यही है सर्च करने का।
थीम को अप्लाई कर लिया मैंने अपने फोन में एंड मैं आता हूँ अपनी होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पर देने का थीम प्रॉपर पूरा आईफोन जैसे यहाँ पर वाइप करता है, जो कि आईफोन 14 वाली लुकिंग है इसमें, तो आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखो म्यूजिक प्लेयर का आइकन चेंज हुआ है, सेटिंग का चेंज हुआ है। क्लिक करता हूँ, ओपन किया, होम स्क्रीन पर आता हूँ तो देखो ये आपको आइकन एनिमेशन देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। सेटिंग हम ओपन करते हैं जो कि आईफोन वाला आइकन है, जो कि आप लोग यहाँ पे देखो कुछ इससे आपके फोन वर्क करेगा। एंड अभी मैं गैलरी ओपन करके दिखाऊं तो देखो गैलरी भी आपको काफी ज्यादा अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। अब देखो इसमें यहाँ पे काफी सारे आइकन जो है यहाँ पे वर्क करते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ ही आइकन टेस्ट किए एंड इतने में मैं वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ, आप लोग और भी टेस्ट कर सकते हो, काफी सारे और आइकन है। एंड जितने भी Xiaomi के डिफॉल्ट या सिस्टम आइकन है उन सब में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि सिक्योरिटी में देख सकते हो यहाँ पे जो हार्ट है ये बाउंस करता रहता है, एंड ऐसे यहाँ पे सारे ही जितने भी आइकन चेंज हुए इन सब में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर मैं दिखाऊँ सिक्योरिटी को बाहर निकाल के तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पर हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है। तो ये सारे आइकन एनिमेशन आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है। मेरे को यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बेटर लगे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ तरीके से आप यहाँ पे इनको इनेबल कर पाओगे। थीम का नाम पता ही है, कैसे सर्च करना है वो भी बता दिया, कैसे इनेबल करना है वो भी बता दिया, कौन से डिवाइस में वर्क करेगा वो भी बता दिया। एंड अब एक छोटा सा काम आप लोगों के लिए, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड हम मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।